नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, गिरती हुई मार्केट में LIC के इस शेयर को मिला एक बड़ा डील, एक बड़ा ऑर्डर मिला है और राइट डेफिनेटली इस वजह से भी स्टॉक को चाहो तो आप अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। ठीक है, जो ये स्टॉक है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, अगर आपको जानना है, देखो मेरे हिसाब से ये स्टॉक एक बहुत बेहतरीन स्टॉक बन सकता है फ्यूचर में। एक छोटा स्मॉल कैप मिड कैप रेंज का स्टॉक है, बड़ा कुछ स्टॉक भी नहीं है। ठीक है, बिजनेस भी काफ़ी अच्छा, साथ में लगातार एक अच्छी खासी बुक्स इसके पास है, मतलब ऑर्डर बुक, और साथ में इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग, FII, DII की होल्डिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में है। तो अगर आप चाहो तो स्टॉक को अपने नज़रों में रख सकती हो। तो अगर आप जानना चाहते हो फुल स्टोरी तो वीडियो को अंत तक देखना और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना अगर आपको किसी स्टॉक का रिव्यू चाहिए हमसे। तो सबसे पहले मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ दिखा देता हूँ कि किस कंपनी ने ऑर्डर दिया है। 364 करोड़ का ऑर्डर मिला, जैसे आपको मैंने बतलाया। कंपनी का नाम राइट्स है, ठीक है, जिसको एक बहुत अच्छा ऑर्डर मिला है। बाकी अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, CCI, जो भी एक ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड डोमेन पर कंपनी है, उसने इसको ऑर्डर दिया है। और आप देख सकते हैं जो ऑर्डर है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वर्क के लिए इसको मिला है, राइट। तो चाहो तो आप इसके बारे में, और अगर आप जानना चाहते हो ऑर्डर के बारे, नीचे लिंक्स में डाल देता हूँ, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे स्टॉक की तरफ, राइट्स की। स्टॉक के ऊपर हमें आप अपना एक एनालिसिस बताना है कि ये स्टॉक अच्छा है बुरा है। तो उसके लिए मैं एक सिंपल एनालिसिस करूंगा, कंपनी के शेड्यूल पैटर्न, जो एक की पॉइंट होता है किसी भी स्टॉक का, वो बता देता है कि स्टॉक अच्छा है बुरा है। तो शेड्यूल पैटर्न मेरे लिए इनफ है किसी स्टॉक को जज करने के लिए कि घटिया है बढ़िया है, ठीक है, इवन अगर वो पेनी स्टॉक भी है। तो मैं लेके चलता हूँ आपको इसके शेड्यूल पैटर्न की तरफ। तो आप लोग देख सकते हो जो राइट्स कंपनी है, मैंने इसका शेड्यूलिंग पैटर्न खोल दिया है, एंड यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग आप लोग देख सकते हो 72% के आसपास हमें देखने को मिलती है, एंड FII की होल्डिंग 1.45% है, एंड DII की होल्डिंग स्टॉक में मोर देन 16% हमें देखने को मिलती है, जिसमें LIC की 8% के आसपास की हिस्सेदारी है। इसलिए मैंने इसको LIC का शेयर बोला है। और साथ में पब्लिक की होल्डिंग देखो यहाँ पर मात्र 9% के आसपास हमें देखने को मिलती है। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बोला है, जिस स्टॉक में जितना कम रिटेल का पैसा होगा वह स्टॉक फ्यूचर में उतना अच्छा करेगा, ठीक है। और यहाँ पर LIC की देखो होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, 5 से 7 हुई, 7 से अब 8 हो चुकी है। तो डेफिनेटली स्टॉक को आप चाहो तो अपने रडार में रख सकते हो। मुझे अब यहाँ कंपनी के प्रॉफिट देखने की आवश्यकता नहीं है, अगर मैंने शेड्यूलिंग पैटर्न को समझ लिया है। मेरे हिसाब से शेड्यूलिंग पैटर्न मुझे साफ बोल रहा है कि फ्यूचर में कंपनी अच्छा कर सकती है। अब बात करते हैं राइट शेयर के बैलेंस शीट के बारे में। तो आप लोग क्लियर देख सकते हो जो रिजर्व है कंपनी के, वो 1500 करोड़ के थे, जो बढ़कर 2200 करोड़ हो चुके हैं। तो लगातार रिजर्व कंपनी के ग्रो हो रहे, बढ़ रहे, एंड जो डेट है कंपनी का देखो 28 करोड़ का डेट रह चुका है, जो पहले 173 करोड़ का डेट था। तो कंपनी ने काफ़ी बड़ा डेट रिड्यूस किया है यहाँ पर। साथ में अगर बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ईयरली प्रॉफिट लॉस खोल रखे है। यहाँ पर सेल्स कंपनी आप देखो मार्च 2022 में 2600 करोड़ की सेल्स है, और जो FY21 में 1800 करोड़ के आसपास की सेल्स हमें देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट आपके सामने, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, 432 से 516 करोड़ हो चुका है, और कंपनी के हर साल जो प्रॉफिट नंबर है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें साइन देता है, एक अनुमान देता है कि फ्यूचर में कंपनी अच्छा कर सकती है। लेकिन जो प्राइस है वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर देखो कंपनी के जो क्वार्टर नंबर्स है वो लगातार अच्छे आ रहे हैं। अब बात करते हैं कंपनी के हॉट व डीप, देखो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, ठीक है, और साथ में कंपनी अच्छे नंबर दे सकती है, कंपनी दिए भी, और कंपनी आपको काफ़ी अच्छा डिविडेंड यील्ड भी दे रही है 5% के आसपास, ठीक है। देखो 5% के आसपास डिविडेंड यील्ड कंपनी आपको दे रही है, अच्छी बात है। साथ में ROC देखो 30% हमें देखने को मिलता है, मार्केट कैप 5400 करोड़ का है। तो यहाँ पर जो कंपनी का प्राइस है वो ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, 229 रुपये का हमें प्राइस देखने को मिलता है, जो आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इन शॉर्ट ये बोलूँगा, तो जो स्टॉक है इसके फाइनेंशियल, इसके बैलेंस शीट, इसके सब कुछ चेकआउट करने के बाद आई विल से कि स्टॉक अच्छा है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने कंपनी का चार्ट पैटर्न खोल दिया, जैसे मैंने आपको बतलाया स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है लगातार एक टाइट रेंज ट्रेड कर रहा है। तो आई विल से
कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। मैक्स चार्ट आप देख सकते हो, जब से स्टॉक का आईपीओ आया वहीं ट्रेड कर रहा है, ठीक है। स्टॉक सपोर्ट एरिया के आसपास आ चुका है 250 के आसपास, ठीक है। तो चाहो तो स्टॉक को आप यहीं भी बाय करके चल सकते हो। बाकी एक बार आप देख लेते हैं कंपनी का वॉल्यूम कैसा आता, तो वॉल्यूम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी स्टॉक के लिए। तो आप देखिए यहाँ पर 5 लाख 5.5 लाख शेयर यहाँ पर ट्रेड किए जाते हैं और ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास का माल लो जाना स्टॉक में लोग घर लेके जा रहे हैं। 25% की डिलीवरी स्टॉक में उठाई गई है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि स्टॉक अच्छा है, तो डेफिनेटली स्टॉक को आप चाहो तो अपने रडार में रख सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोज़ में। अच्छे से लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना और सी यू।